देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित है। और अच्छी बात यह है कि एनर्जी कहीं लॉस नहीं हो रही। क्यों? इन्होंने बताया कि साहब ये बॉल थी, इनिशियली रेस्ट पे थी, यहां से गई और यहां पे गई, लाइन खींच दिए, तो आपने कहा भाई साहब जिस हाइट से गई है उस हाइट तक पहुंची है और इस तरीके से ये घूम रही है। इसका मतलब साफ नजर आ रहा है कहीं लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है। अगर एनर्जी हो ही होती तो सेम हाइट पे ना जाती, इतना तो आप समझते। कह रहे हैं कि ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या थी बताइए। तो आपने कहा भाई साहब उसको आपने इनिशियल कोई वेलोसिटी नहीं दी, रिलीज नहीं किया है, तो इसका मतलब है केवल हाइट थी 10 सेंटीमीटर, उसकी वजह से एनर्जी थी। और हाइट की वजह से एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहां पे आपके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी थी, और जब यहां पहुंचे हैं तो हाइट क्या हो गई? जीरो हो गई, यानी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई, लेकिन चल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, यानी कि यहां तक पहुंचते पहुंचते ये बॉल, मैंने हमेशा बताया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में सिस्टम एक होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होगी। और मोमेंटम क्या बताया? सिस्टम दो होंगे, एक सिस्टम का मोमेंटम दूसरे सिस्टम के मोमेंटम में ट्रांसफर होगा। तो यहां देखिए एक ही सिस्टम है, गोली एक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक में। मजा आया? मस काम बन गया। वेलोसिटी बतानी थी, वी स्क्वायर बराबर 2gh, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अंडर रूट 2gh। बस काम बन गया। आपने कहा 2g 9.8, और ये क्या है? 10 सेंटीमीटर, 100 से भाग कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 0.1 मीटर। ठीक, काम बन गया। आपने कहा सर हम इधर लिख लें वी इज इक्वल टू, ये हो गया 108, 18, 19, और ये हो गया -2, इतना और इतना। ठीक, ये आप जानते हैं ये 14 होता है, और इसका हो गया -1, इधर ले आइए, यानी 1.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होगी। यहां घबराइएगा नहीं, अगर यहां पे भी दी जाती तो उस समय की उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको जोड़ देते, यहां तक आते आते तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही हो जाती। ओके,